हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, एनबीसी एनबीसी रेलवे रेलवे टेक टेक एंड एंड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में में आप आप लोग लोग का का स्वागत स्वागत है। है। आज आज हम हम लोग लोग कोचिंग कोचिंग स्टॉक स्टॉक के के पार्ट पार्ट टू टू के के बारे बारे में में देखेंगे, देखेंगे, जिसमें जिसमें आईसीए आईसीए फॉर फॉर एलएचबी एलएचबी के के क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें इसमें डिस्कस डिस्कस होगा। होगा। इसका इसका पार्ट पार्ट वन वन हो हो गया गया है, है, यह यह पार्ट पार्ट टू टू है। है। अगर अगर यह यह वीडियो वीडियो आप आप लोग लोग को को अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो लाइक, लाइक, शेयर शेयर और और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। कीजिएगा। चलिए चलिए देर देर न न करते करते हुए हुए हम हम क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। 50 50 तक तक हो हो गया गया पार्ट पार्ट वन वन में। में। पार्ट पार्ट टू टू अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर से से हम हम देखते देखते हैं हैं कि कि यात्री यात्री कोच कोच के के नियंत्रण नियंत्रण जलाशय जलाशय की की क्षमता क्षमता कितना कितना होता होता है, है, मतलब मतलब कि कि सीयर सीयर की की क्षमता क्षमता को को पूछ पूछ रहा रहा है। है। कंट्रोल कंट्रोल रिजर्वायर रिजर्वायर की की क्षमता क्षमता कितना कितना होता होता है? है? तो तो कंट्रोल कंट्रोल रिजर्वायर रिजर्वायर की की क्षमता क्षमता 6 लीटर6 लीटर होता होता है, है, ठीक ठीक है? है? कंट्रोल कंट्रोल रिजर्वायर रिजर्वायर का का ये ये जो जो है है गुड्स गुड्स जो जो है, है गुड्स गुड्स मतलब मतलब कि कि मालगाड़ी मालगाड़ी और और एलएचबी, एलएचबी, ठीक ठीक है? है? एलएचबी एलएचबी में में 6 लीटर6 लीटर का का होता होता है। है। वहीं वहीं कहीं 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 आपको आपको मिलेगा मिलेगा आईसीएफ आईसीएफ में, में, आईसीएफ आईसीएफ में में जो जो है है 9 लीटर9 लीटर का का मिलेगा, मिलेगा, जो जो कि कि अब अब जो जो है है अब अब सभी सभी में में जो जो है है 6 लीटर6 लीटर का का ही ही प्रयोग प्रयोग हो हो रहा रहा है, है, ठीक ठीक है? है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 52,52, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 52 52 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि पूर्व पूर्व सेवा सेवा आवेदन आवेदन के के दौरान दौरान सिलेंडर सिलेंडर में में प्रभावी प्रभावी अधिकतम अधिकतम दबाव दबाव कितना कितना होता होता है? है? अर्थात अर्थात पूर्व पूर्व सेवा सेवा यानी यानी फुल फुल सर्विस सर्विस एप्लीकेशन एप्लीकेशन के के समय समय जो जो है है प्रभावी प्रभावी मतलब मतलब अधिकतम अधिकतम दबाव दबाव कितना कितना होता होता है? है? तो तो मतलब मतलब कि कि अधिकतम अधिकतम दबाव दबाव जो जो होता होता है है 3.8 3.8 प्लस प्लस माइनस माइनस 0.1 0.1 किलोग्राम किलोग्राम पर पर सीएम सीएम स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक ठीक है? है? तो तो ये ये जो जो दिया दिया हुआ हुआ है है आईसीएफ आईसीएफ का का दिया दिया हुआ हुआ है। है। पूर्ण पूर्ण सेवा सेवा आवेदन आवेदन का का मतलब मतलब हुआ हुआ फुल फुल सर्विस सर्विस एप्लीकेशन एप्लीकेशन के के समय, समय, फुल फुल सर्विस सर्विस एप्लीकेशन एप्लीकेशन के के समय समय एलएचबी में, एलएचबी में जो जो है है 3 केजी3 केजी होता होता है, है, ठीक ठीक है? है? और और आईसीएफ आईसीएफ में में जो जो है है 3.8 केजी 3.8 केजी होता होता है, है, ठीक ठीक है? है? याद याद रखिएगा रखिएगा आईसीएफ आईसीएफ और और एलएचबी एलएचबी का, का, ठीक ठीक है? है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर नंबर 53 53 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि डीवी डीवी सीरीज सीरीज चालू चालू है, है, अर्थात अर्थात क्या क्या कर कर रहा रहा है? है? डीवी डीवी इज इज डायरेक्टली डायरेक्टली माउंटेड, माउंटेड, यानी यानी डीवी डीवी जो जो है है किस किस पर पर माउंट माउंट होता होता है, है, ठीक ठीक है? है? तो तो ये ये जो जो होता होता है है कॉमन कॉमन पाइप पाइप ब्रैकेट ब्रैकेट पर, पर, कॉमन कॉमन पाइप पाइप ब्रैकेट ब्रैकेट पर पर डीवी डीवी जो जो है है कॉमन कॉमन पाइप पाइप ब्रैकेट ब्रैकेट पर पर माउंट माउंट होता होता है, है, ठीक ठीक है? है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर नंबर 54 54 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि डीवी डीवी में में निम्नलिखित निम्नलिखित वाल्व वाल्व में में कौन कौन सा सा सीयर सीयर में में चार्जिंग चार्जिंग को को नियंत्रित नियंत्रित करता करता है, है, ठीक ठीक है? है? मतलब मतलब कि कि ये ये डीवी डीवी को को जो जो है है कौन कौन सा सा चार्ज चार्ज करता करता है, है, इसका इसका मतलब मतलब ये ये हो हो गया गया कि कि डीवी डीवी को को जो जो है है कौन कौन चार्ज चार्ज करता करता है? है? तो तो कट ऑफ वाल्व, कट ऑफ वाल्व जो होता है उसको डीवी को चार्ज करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में नियंत्रण भंडार है, नियंत्रण भंडार है, इसका सही आंसर सी कह रहा है कि ब्रेक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए, मतलब कि ब्रेक सिस्टम एयर ब्रेक सिस्टम नियंत्रित भंडार मतलब कि कंट्रोल रिजर्वायर जो है, कंट्रोल रिजर्वायर क्या है? कह रहा है कि ब्रेक सिस्टम को नियंत्रित, कंट्रोल रिजर्वायर का काम है ब्रेक सिस्टम को नियंत्रित करना, ब्रेक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए सीजर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है कि सहायक जलाशय का कार्य है, सहायक जलाशय का मतलब एक्जिलरी रिजर्वायर का कार्य क्या है? तो बीसी में हवा भेजना मतलब कि बीसी माने ब्रेक सिलेंडर में हवा भेजने का काम एक्जिलरी रिजर्वायर करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि गंदगी कलेक्टर के भीतर साफ किया जाता है, मतलब कि डॉट कलेक्टर जो है कितने दिन पर साफ किया जाता है? तो ए जो है ए अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है? ए अनुसूची में दिया हुआ है कि डॉट कलेक्टर के साफ कब करना चाहिए, ए अनुसूची का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक प्रत्येक महीना महीना यानी यानी एक एक माह माह पर पर डॉट डॉट कलेक्टर कलेक्टर को को साफ साफ करना करना चाहिए, चाहिए, यानी यानी इसको इसको ए ए अनुसूची अनुसूची मतलब मतलब कि कि ए ए शेड्यूल शेड्यूल में में इसको इसको साफ साफ किया किया जाता जाता है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर नंबर 58, अंठावन क्वेश्चन नंबर 58 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि एयर एयर ब्रेक ब्रेक सिस्टम सिस्टम में में बीपी बीपी में में हवा हवा के के दबाव दबाव गिरावट गिरावट की की दर दर ब्रेक ब्रेक लगना लगना चाहिए, चाहिए, यानी यानी जब जब एयर एयर ब्रेक ब्रेक जब जब ब्रेक ब्रेक हम हम अप्लाई अप्लाई करते करते हैं हैं तो तो ब्रेक ब्रेक कितना कितना देर देर में में लग लग जाना जाना चाहिए? चाहिए? तो तो 6 सेकेंड सेकेंड में में लग लग जाना जाना चाहिए, चाहिए, ठीक ठीक है? है? नेक्स्ट नेक्स्ट
6 केजी मतलब कि प्रेशर पूछ रहा है कि प्रेशर कितना होता है, तो 0.6 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है, ठीक है, ब्रेक लगने के समय, अप्लाई के समय। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी में हवा का दबाव गिरावट की दर डैश डैश हो तो ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है इनसेंसिटिविटी टेस्ट है, इनसेंसिटिविटी टेस्ट में 6 सेकंड में 3 केजी 0.3 केजी किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर होता है, उस समय ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है, उस समय ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ये जो था कि एयर ब्रेक सिस्टम में हवा का दबाव गिरावट की दर ब्रेक लगना चाहिए, तो 6 सेकंड में 6 किलोग्राम जो है पर सीएम स्क्वायर, इस समय क्या होता है कि ब्रेक लगना चाहिए, और इन सेंसिटिविटी टेस्ट के समय ये जो है 7 सेकंड में 3 किलोग्राम से ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है, अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त गैर रिटर्न वाल्व का कार्य क्या है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है कि एयर एयर से एफपी तक हवा के प्रवाह को रोकने के लिए, गैर का मतलब हुआ नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ पर कह रहा है कि नॉन रिटर्न वाल्व यूजेड, नॉन रिटर्न वाल्व का नॉन रिटर्न वाल्व का काम क्या है, तो नॉन रिटर्न वाल्व ये है कि एफपी से एक, ठीक है, एयर का मतलब कि एक्सिलरी रिजर्वायर यानी फीड पाइप से एक्सिलरी रिजर्वायर में हवा जो है यही है एनआरवी, एन आर वी नॉन रिटर्न वाल्व एनआरवी जो है ये दोनों के बीच में यहाँ पर लगा रहता है। एफपी के द्वारा एयर में हवा तो चला जाता है लेकिन एयर से एफपी में रिटर्न नहीं होने देता है, ठीक है, यही नॉन रिटर्न वाल्व का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि डीबी अलग थलग होता है तो कौन सा उपकरण चार्ज नहीं होगा, जब डीबी को अलग कर देंगे तो कौन सा उपकरण जो है चार्ज नहीं होगा, मतलब कि ये जो है सीआर जो है चार्ज नहीं होगा, सीआर मतलब कंट्रोल रिजर्वायर नियंत्रण जलाशय जो है, और बीपी यानी ब्रेक पाइप सीआर एंड बीपी चार्ज नहीं होगा, नियंत्रण जलाशय और ब्रेक सिलेंडर बीसी होगा, बीसी ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है कि कट ऑफ एंगल कॉक में वेंट शेड किस लिए प्रदान किया जाता है, वेंट शेड किस लिए प्रदान किया जाता है, इसलिए कि जब वाल्व का प्रेशर जो है जब ज्यादा हो जाता है तो उसके द्वारा वो बाहर हवा निकल जाता है, यानी वाल्व नली के अंदर दबाव को वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोच के वायु भंडार मतलब एयर की क्षमता कितना होता है, ठीक है, तो एयर की क्षमता तो इसे 200 लीटर का होता है, लेकिन इसमें 200 मैंने पहले भी बताया था कि 200 लीटर में जो है ये जो है एएचबी के लिए, एएचबी के लिए 200 में जो है 175 लीटर जो है ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है, और 25 लीटर का जो होता है या टॉयलेट पर्पस के लिए, ये जो है एएचबी के लिए होता है, लेकिन आईसीएफ में एक ही एयर होता है 200 लीटर का, ठीक है, और एएचबी में 200 लीटर का मतलब कि अलग अलग होता है, टोटल 200 का होता है, 175 लीटर का ब्रेकिंग पर्पस के लिए और 25 लीटर का टॉयलेट पर्पस के लिए, ठीक है, लेकिन आईसीएफ में 200 लीटर का एक ही एयर होता है, मतलब कि एक्सिलरी रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि ट्विन पाइप प्रणाली में ब्रेक को रिलीज होने के लिए लिया गया समय, ब्रेक जो है कितना देर में रिलीज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है बी, लेकिन बी में जो है 27 सेकंड दिया है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक रिलीज जो है 15 से 20 सेकंड में ब्रेक रिलीज हो जाता है, और अप्लाई 3 से रिलीज पोजीशन मतलब ये रिलीज है, ठीक है, और अप्लाई जो है
से 5 सेकंड में अलाई हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन नॉन एसी कोच का ए डायमेंशन कितना होता है, ए आयाम कितना होता है, मतलब कि नॉन एसी का बात कर रहा है। तो नॉन एसी का 16+2-0 mm होता है। ठीक है, और वहीं यहाँ पर देख लीजिए 66 में कह रहा है कि इन एसी कोच ए डायमेंशन शुड बी, तो एसी को का कितना होता है, तो एसी का बी हो जाएगा, मतलब कि 22+2-0 और नॉन एसी का 16+2-0 हो जाता है। ठीक है, और एसी का 22+2-0। और 67 नंबर में क्या कह रहा है कि एक यात्री ट्रेन में ई डायमेंशन कितना होता है, ई आयाम कितना होता है, ई आयाम इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 375+-25 mm हो जाएगा। ठीक है, ई डायमेंशन 375+-25। ठीक है, और एसी के लिए क्या बताया अभी कि 22+2-0, नॉन एसी के लिए 16+2-0। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। यात्री ट्रेन में ब्रेकिंग, यात्री ट्रेन में यानी पैसेंजर कोच में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना होता है। ठीक है, पैसेंजर कोच के लिए कह रहा है कि ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना होता है, तो इसमें जो दिया हुआ है बी आंसर, मतलब कि 25 mm। तो आपको हम बता दें यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं LHB और हम इधर लिख देते हैं ICF। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रेक पाइप का व्यास 25 जो दिया हुआ है, यह ICF का दिया हुआ है। ठीक है, ICF का दिया हुआ है 25 mm, वहीं ASB का जो हो जाता है 28 mm होता है, ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप का, BP एंड FP का। ठीक है, और वही ब्रांच पाइप की अगर बात करता, ब्रांच पाइप का ASB का, ब्रांच पाइप का ASB का ये जो हो जाता 18 mm हो जाता, और वही ICF का 20 mm हो जाता। ठीक है, और PEAV या पेशे के बीच में जो होता है इसका भी 10 होता है, इसका भी 10 होता है। ठीक है, इसको ब्रेक इंडिकेटर पाइप भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीपी एंड एफपी का एएसपी में 28, आईसीएफ में 25, ब्रांच पाइप का जो है एएसपी में 18 और आईसीएफ में 20 होता है, और पीईएबी से पेशेंट के बीच में जो पाइप होता है उसका जो होता है 10 mm होता है। ठीक है, अब जहां तक विश्वास है कि समझ गई होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में कि यात्री ट्रेन में शाखा पाइप का व्यास कितना होता है। अभी हमने बताया, इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20 mm। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 20 mm यानी सी, तो 20 जो है आईसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है, वही अगर ये जो हम यहीं पर लिख देते हैं, ये जो दिया है आईसीएफ का दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है एलएचबी का दिया हुआ है। ठीक है, 18 mm जो होता है एलएचबी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि जुड़वा पाइप प्रणाली में एक वाहन में कितने पूर्ण एंगल कॉक, यानी एंगल कॉक कितने होते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर सी में दिया हुआ है 4। ठीक है, जुड़वा पाइप का मतलब हुआ FP एंड BP एंड FP। मान लेते हैं कि आपको इस तरीके से, मान लेते हैं कि गाड़ी है, तो आप गाड़ी के अंत में देखते हैं कि दो ठो इस तरह होज पाइप जो है लटका रहता है, एक जो होता है BP होता है ब्रेक पाइप। ठीक है, और एक जो होता है FP होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि FP है, तो ये कह रहा है कि कट ऑफ एंगल कॉक जो है प्रदान किए, मैंने कितने प्रदान किए कट ऑफ एंगल कॉक, तो ये जो मान लेते इधर एक ठो हो गया, इधर एक ठो हो गया, तो इसके बीपी का 2 हो गया, और एफपी का ये भी मतलब कि 2 हो गया, मतलब कि 2 2 4 हो जाएगा। समझ गए, यानी बीपी का 2 और एफपी का 2 दोनों साइड मिला करके, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक जो होता है, आप देखते हो इस तरह हमने बताया है नचाने के लिए, तो कहने का मतलब है टोटल इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहे थे कि पीईएवी से जुड़ी शाखा पाइप का व्यास कितना होता है,
तो शाखा पाइप का व्यास ऊपर भी हमने पढ़ा कि शाखा पाइप का व्यास जो होता है 20 mm होता है, जो कि यह ICF का दिया हुआ है। ऊपर हमने इसके बारे में बता दिए हैं। What is the diameter of branch pipe in between PEAB to patient? यानी PEAB का मतलब हो गया passenger emergency alarm valve to patient, passenger emergency alarm single device के बीच में जो है इसका जो अभी मैंने ऊपर बताया कि इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, मतलब कि 10 mm हो जाएगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है कि कामकाजी ट्रेन में बीपी का दबाव, मतलब कि वर्किंग पोजीशन में वर्किंग ट्रेन का ब्रेक प्रेशर जो है कितना होता है वर्किंग पीरियड में। तो वर्किंग पीरियड में जो हो जाएगा 5 kg प्लस माइनस 0.1 kg पर cm², ठीक है, वर्किंग पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा है कि चार्जिंग पोजीशन के दौरान सहायक जलाशय में वायु दाब कितना होता है, ठीक है। तो सहायक जलाशय में मतलब कि एयर, सहायक जलाशय का मतलब हो गया एयर, मतलब कि एक्जिलरी रिजर्वायर, एक्जिलरी रिजर्वायर का दबाव जो है 6 kg हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर यह भी बता दू कि एयर और एफपी, एपी ये दोनों का 6 kg होता है और बीपी एंड सीआर ये दोनों का दबाव 5 kg होता है, याद रखिएगा। बीपी एंड सीआर का 5 kg, एयर और एपी का 6 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, 75 में क्या कह रहा है कि पूर्व सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव कितना तक गिराया जाता है, ठीक है, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय ब्रेक पाइप का दबाव कितना गिराया जाता है, ये हो जाता है 1.5 kg का, ठीक है। कितना का हो जाता है, 1.5 kg का हो जाता है। हम इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्लियर इसको हम पूरा कर देते हैं कि मिनिमम में कितना होता है। तो मिनिमम एप्लीकेशन के समय, मिनिमम मिनिमम एप्लीकेशन के समय जो हो जाता है 0.5 से 0.8 kg पर cm², ठीक है, cm², और सर्विस एप्लीकेशन के समय, ठीक है, सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना हो जाता है, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 0.8 से 1 kg, ठीक है, 1 kg सर्विस एप्लीकेशन के समय, और फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय जो इसमें दिया है फुल समय कितना हो जाता है 1 से 1.5 kg, ठीक है, 1.5 kg पर cm² सब में है भैया, हम समझ रहे हैं फुल सर्विस के समय, और इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के समय कितना हो जाता है, तो ये जो हो जाता है 1.5 kg से 1.5 kg से 3.8 kg, अब 3.8 kg जो ICF का है वही 1 kg रहता तो केवल 3 kg हो जाता, ठीक है। हमको यहाँ तक विश्वास है कि ये बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और एक जगह आप लोग लिख लीजिए क्योंकि एक जगह यह कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मिनिमम जो है, मिनिमम के समय 5 से 0.8 kg, सर्विस एप्लीकेशन के समय 0.8 से 1 kg, और फुल सर्विस के समय 1 से 1.5 kg, और इमरजेंसी के समय 1.5 से 3.8 kg। एल आता तो यहाँ लिख देते हैं, एल एच बी आता तो 3 kg हो जाता, ठीक है, 3 kg से। अब समझ गए होंगे, यहाँ तक विश्वास है आप लोग, एलसीए के लिए हर एक मटेरियल आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ICF LSB वैगम डेमू मेमू या ITIC जितने भी ट्रेड है उस सभी का आप लोग यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है कि मेल ट्रेन का यात्रा के दौरान ब्रेक पांव सटीक प्रतिशत कितना होता है, यानी यात्रा के दौरान, ठीक है, यात्रा के दौरान कितना हो जाता है, तो 95%, ठीक है, कितना हो जाता है 95%, ठीक है। वही अगर ओरिजिनेटिंग स्टेशन मैंने स्टेशन पर अगर कहता तो 100% हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है यात्रा के दौरान, यात्रा के दौरान 95%, यानी सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर नंबर 77 77 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि बीपी बीपी का का पूर्ण पूर्ण रूप रूप क्या क्या होता होता है। है। तो तो बीपी बीपी का का मतलब मतलब ब्रेक ब्रेक पाइप, पाइप, एफपी एफपी का का मतलब मतलब फील्ड फील्ड पाइप, पाइप, बीसी बीसी का का मतलब मतलब ब्रेक ब्रेक सिलेंडर सिलेंडर और और एयर एयर का का मतलब मतलब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग रिजर्वायर रिजर्वायर है। है। ठीक ठीक है, है, चलिए चलिए यहाँ यहाँ पर पर देखिए देखिए क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि जुड़वा जुड़वा पाइप पाइप प्रणाली प्रणाली में में एयर एयर में में दबाव दबाव कितना कितना होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, मैंने मैंने ऊपर ऊपर नहीं नहीं बताया बताया था था कि कि एयर एयर का का दबाव दबाव जो जो है है एक्यूल एक्यूल रिजर्वायर रिजर्वायर का का दबाव दबाव 6 6 केजी केजी होता होता है, है, यानी यानी एयर एयर और और एफपी एफपी का का 6 6 केजी, केजी, बीपी बीपी एंड एंड सीआर सीआर का का 5 5 केजी। केजी। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 79 79 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि बीसी बीसी का का पूर्ण पूर्ण रूप रूप क्या क्या होता होता है, है, बीसी बीसी का का पूर्ण पूर्ण भार भार ब्रेक ब्रेक सिलेंडर सिलेंडर होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 80 80 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि स्टेशन स्टेशन पर पर मेल मेल एक्सप्रेस एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेन के के लिए लिए ब्रेक ब्रेक पावर पावर प्रतिशत प्रतिशत कितना कितना होता होता है। है। आपको आपको ऊपर ऊपर भी भी मैंने मैंने बताया बताया कि कि ओरिजिनेटिंग ओरिजिनेटिंग स्टेशन स्टेशन जब जब रहेगा रहेगा यानी यानी स्टेशन स्टेशन पर पर जब जब रहेगा रहेगा तो तो उस उस वक्त वक्त 100% 100% हो हो जाएगा। जाएगा। वहीं वहीं अगर अगर यात्रा यात्रा के के दौरान दौरान रहता रहता तो तो वह वह 95% पंचानवे हो परसेंट हो जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 81 81 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि कॉट कॉट ऑफ ऑफ एंगल एंगल कॉक कॉक को को फिट फिट किया किया जाता जाता है। है। कॉट कॉट ऑफ ऑफ एंगल एंगल कॉक कॉक को को किस किस पर पर फिट फिट किया किया जाता जाता है, है, तो तो कॉट कॉट ऑफ ऑफ एंगल एंगल कॉक कॉक को को एफपी एफपी और और बीपी बीपी दोनों दोनों पर पर किया किया जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, अभी अभी ऊपर ऊपर हमने हमने बताया बताया कि कि यह यह गाड़ी गाड़ी जो जो है है मतलब मतलब कि कि दोनों दोनों तरफ तरफ जो जो आपको आपको ऊपर ऊपर भी भी क्वेश्चन क्वेश्चन आया आया था था कि कि टोटल टोटल कॉट कॉट ऑफ ऑफ एंगल एंगल की की संख्या संख्या कितना कितना होता होता है। है। तो तो चार चार होता होता है, है, एक एक यहाँ यहाँ होता होता है, है, एक एक यहाँ यहाँ होता होता है, है, यहाँ यहाँ होता होता है, है, यहाँ यहाँ होता होता है, है, यहाँ 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 यहाँ। यहाँ। ठीक ठीक है, है, तो तो एफपी एफपी का का दो दो हो हो जाएगा जाएगा और और बीपी बीपी का का दो दो हो हो जाएगा, जाएगा, तो तो दो 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 चार चार हो हो जाएगा। जाएगा। तो तो कहने कहने का का अर्थात अर्थात है है इसमें इसमें है है कि कि ये ये बोल बोल रहा रहा है है कि कि कट कट ऑफ ऑफ एंगल एंगल कॉक कॉक को को फिट फिट किया किया जाता जाता है, है, तो तो एफपी एफपी और और बीपी बीपी दोनों दोनों में में फिट फिट किया किया जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर सीधी सीधी लिपि लिपि है है कि कि दोनों दोनों में। में। ठीक ठीक है, है, 82 82 नंबर नंबर में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि एयर एयर ब्रेक ब्रेक कोचिंग कोचिंग ड्रेन ड्रेन का का पिस्टन पिस्टन स्ट्रोक स्ट्रोक कितना कितना होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, एयर एयर ब्रेक ब्रेक कोचिंग कोचिंग ड्रेन ड्रेन में में पिस्टन पिस्टन स्ट्रोक स्ट्रोक कितना कितना होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, अब अब देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर जो जो है है क्लियर क्लियर जो जो है है उतना उतना नहीं नहीं किया किया हुआ हुआ है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो बीएमबीसी बीएमबीसी का का जो जो जाता जाता है है 32 32 एमएम एमएम मिनिमम मिनिमम जो जो है है 32 32 एमएम एमएम और और अधिकतम अधिकतम जो जो है है 90 90 एमएम एमएम हो हो जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, एमएम, एमएम, लेकिन लेकिन इसमें इसमें जो जो है है क्या क्या कह कह रहा रहा है, है, एयर एयर ब्रेक ब्रेक कोचिंग कोचिंग ड्रेन ड्रेन में में पिस्टन पिस्टन स्ट्रोक स्ट्रोक कितना कितना होता होता है। है। यहाँ यहाँ पर पर आंसर आंसर जो जो है है ए ए दिया दिया हुआ हुआ है, है, 60 60 प्लस प्लस माइनस माइनस 10। 10। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये भी भी चलेगा चलेगा क्योंकि क्योंकि न्यूनतम न्यूनतम 32 32 और और अधिकतम अधिकतम जो जो है है 90 90 एमएम एमएम होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में में क्या क्या कह कह रहा रहा है, है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 81 81 में में कि कि बोगी बोगी माउंटेड माउंटेड ब्रेक ब्रेक सिलेंडर सिलेंडर का का व्यास व्यास कितना कितना होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, बोगी बोगी माउंटेड माउंटेड ब्रेक ब्रेक सिलेंडर सिलेंडर का का व्यास व्यास कितना कितना होता होता है, है, तो तो हम हम आपको आपको बता बता दें दें कि कि यहाँ यहाँ पर पर लिख लिख लीजिए लीजिए कि कि एल एल एच एच बी बी का का जो जो होता होता है है 10 10 इंच इंच होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, और और बीएमबीसी बीएमबीसी का का बीएमबीसी बीएमबीसी का का जो जो होता होता है है 8 इंच8 इंच होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो इसको इसको जब जब हम हम एमएम एमएम में में जब जब हम हम बदलेंगे बदलेंगे तो तो यह यह आ आ जाएगा जाएगा 203 mm। 203 mm। ठीक ठीक है, है, जो जो कि कि यहाँ यहाँ पर पर दिया दिया हुआ हुआ है है 202 mm, लगभग लगभग 203 203 के के पास पास है, है, और और इसका इसका जो जो है है हो हो जाता जाता है है 254 254 या या कहीं 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 55 55 ही ही मिलेगा। मिलेगा। ठीक ठीक है, है, तो तो 255 mm 255 mm हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर आप आप समझ समझ गए गए होंगे। होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 84 84 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है, है, देख देख लीजिए लीजिए कि कि फिर फिर वही वही पूछ पूछ रहा रहा है है कि कि उच्च उच्च गति गति कोच कोच यानी यानी हाईब्रिड हाईब्रिड कोच कोच के के हाई हाई स्पीड स्पीड कोच कोच के के लिए लिए कह कह रहा रहा है है कि कि स्लैंग स्लैंग एडजस्टर एडजस्टर का का ए ए डायमेंशन डायमेंशन कितना कितना होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, इसका इसका ए ए डायमेंशन डायमेंशन 20 20 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 नंबर नंबर क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि पारंपरिक पारंपरिक एयर एयर ब्रेक ब्रेक सिस्टम सिस्टम
355 और 305, ठीक है, जो जो कि कि इसमें इसमें ऑप्शन ऑप्शन बी बी दे दे रहा रहा है है 305, 305 जो जो कि कि बिल्कुल बिल्कुल गलत गलत है, है, ठीक ठीक है। है। इसका इसका आंसर आंसर हो हो जाएगा जाएगा 355 355 एमएम, एमएम, ठीक ठीक है, है, 355 355 एमएम। एमएम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर नंबर 88 88 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि जब जब ब्रेक ब्रेक ब्लॉक ब्लॉक पहिया पहिया को को छूता छूता है, है एयर एयर ब्रेक ब्रेक सिस्टम सिस्टम का का पिस्टन पिस्टन स्ट्रोक स्ट्रोक कितना कितना होता होता है। है। जब जब कह कह रहा रहा है है ब्रेक ब्रेक ब्लॉक ब्लॉक मतलब मतलब कि कि व्हील व्हील को को जब जब छूता छूता है है उस उस वक्त वक्त पिस्टन पिस्टन स्ट्रोक स्ट्रोक कितना कितना होता होता है, है, तो तो 50 50 से से 70 70 एमएम। एमएम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 नंबर नंबर क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि एकल एकल कार कार परीक्षण परीक्षण सिंगल सिंगल कार कार परीक्षण परीक्षण में में हवा हवा रिसाव रिसाव की की दर 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 कब कब अधिक अधिक नहीं नहीं हो हो जाए, जाए, माने माने हवा हवा के के रिसाव रिसाव जो जो है है ड्रॉप ड्रॉप जो जो है है कितना कितना से से अधिक अधिक एकल एकल कार कार परीक्षण परीक्षण में में कितना कितना से से अधिक अधिक नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए, तो तो 0.02 0.02 किलोग्राम किलोग्राम प्रति प्रति सेमी सेमी स्क्वायर स्क्वायर पर पर मिनट मिनट यानी यानी 60 60 सेकेंड सेकेंड से से इससे इससे ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए, ठीक ठीक है। है। यहाँ यहाँ पर पर मिनट मिनट जो जो है है पर पर 60 60 सेकेंड सेकेंड भी भी दे दे देता देता है, है, ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 का का कह कह रहा रहा है है कि कि आपातकालीन आपातकालीन अनुप्रयोग अनुप्रयोग में में ब्रेक ब्रेक सिलेंडर सिलेंडर का का दबाव दबाव 0 0 से से 3.6 3.6 किलोग्राम किलोग्राम प्रति प्रति सेमी सेमी स्क्वायर स्क्वायर से से बढ़ बढ़ जाता जाता है, है, ठीक ठीक है। है। यानी यानी ब्रेक ब्रेक अनुप्रयोग अनुप्रयोग मतलब मतलब ब्रेक ब्रेक एप्लीकेशन एप्लीकेशन के के समय, समय, ठीक ठीक है, है, ब्रेक ब्रेक एप्लीकेशन एप्लीकेशन के के समय समय कितना कितना मतलब मतलब कि कि इतना इतना तो तो ब्रेक ब्रेक का का जो जो है है दबाव दबाव 3.6 किलोग्राम किलोग्राम तो तो हो हो जाता जाता है, है, लेकिन लेकिन समय समय पूछ पूछ रहा रहा है है कि कि कितना कितना लग लग जाता जाता है, है, तो तो ब्रेक ब्रेक एप्लीकेशन एप्लीकेशन के के समय समय जो जो है है 3 से 5 5 होगा। होगा। यहाँ यहाँ पर पर ए ए जो जो दिया दिया हुआ हुआ है है गलत गलत दिया दिया हुआ हुआ है, है, ब्रेक ब्रेक एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो जो है है 3 से 5 सेकेंड3 से 5 सेकेंड में में जो जो है है हो हो जाता जाता है, है, ठीक ठीक है। है। और और ब्रेक ब्रेक रिलीज रिलीज जो जो होता होता है है 15 से 20 सेकेंड में में रिलीज रिलीज हो हो जाता जाता है, है, ठीक ठीक है, है, रिलीज रिलीज हो हो जाता जाता है। है। तो तो यहाँ यहाँ अनुप्रयोग अनुप्रयोग मतलब मतलब कि कि ब्रेक ब्रेक एप्लीकेशन एप्लीकेशन के के समय समय 3 से 5 सेकेंड होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि असंवेदनशील यानी असमय संवेदनशील इनसेंसिविटी टेस्ट के दौरान कितने समय तक ब्रेक लागू नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 सेकंड, जो मैंने ऊपर बताया, यानी कहीं कहीं देता है 1 मिनट, यानी 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पूर्ण सेवा आवेदन के बाद यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय, फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय मेल एक्सप्रेस ट्रेन का रिलीजिंग समय कितना है। देखिए आ गया रिलीजिंग समय 15 से 20 सेकेंड होता है, ठीक है। वहीं अप्लाई के समय एप्लीकेशन के समय 3 से 5 सेकेंड होता है, ठीक ठीक है, है, तीन तीन से से पांच पांच सेकेंड सेकेंड और और रिलीजिंग रिलीजिंग का का समय समय जो जो होता होता है है 15 से 20 सेकेंड15 से 20 सेकेंड होता होता है, है, ठीक ठीक है। है। यहां यहां तक तक विश्वास विश्वास है है कि कि आप आप समझ समझ गए गए होइएगा। होइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 93,93, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 93 93 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि चोक चोक के के साथ साथ चेक चेक वाल्व वाल्व हवा हवा का का जाने जाने देता देता है। है। देखिए देखिए इसमें इसमें जो जो है है क्या क्या कह कह रहा रहा है, है, चेक चेक वाल्व वाल्व विथ विथ चोक चोक अलाउ 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 इज इज फॉर फॉर फॉर, फॉर, मतलब मतलब कि कि जो जो इसको इसको हम हम जो जो है है एनआरवी एनआरवी कहते कहते हैं, हैं कि कि इसको इसको हम हम अमलीकरण अमलीकरण बता बता दें दें कि कि नॉन नॉन रिटार्ड रिटार्ड वाल्व, वाल्व, इसका इसका काम काम क्या क्या है है कि कि एफपी एफपी से से एयर एयर मतलब मतलब कि कि उसको उसको जाने जाने देता देता है, है, क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि चोक चोक के के साथ साथ चेक चेक वाल्व वाल्व हवा हवा को को जाने जाने देता देता है है एफपी एफपी से से एयर, एयर, ठीक ठीक है। है। चोक चोक वाल्व वाल्व जो जो है है एफपी एफपी से से एयर एयर मतलब मतलब कि कि एयर एयर रिजर्वायर रिजर्वायर में में इसको इसको हवा हवा को को जाने जाने देता देता है, है, ठीक ठीक है, है, चोक चोक वाल्व। वाल्व। लेकिन लेकिन वही वही एनआरवी एनआरवी जो जो होता होता है है एनआरवी एनआरवी मैंने मैंने नॉन नॉन रिटर्न रिटर्न वाल्व, वाल्व, ये ये फिर फिर एयर एयर से से एफपी एफपी में में हवा हवा को को आने आने से से रोक रोक देता देता है। है। चोक चोक वाल्व वाल्व क्या क्या होता होता है है कि कि एफपी एफपी से से एयर एयर की की तरफ तरफ हवा हवा को को जाने जाने देता देता है, है, समझ समझ गए गएगा। और और एनआरवी एनआरवी जो जो है है रिटर्न रिटर्न नहीं नहीं होने होने देता देता है, है, यानी यानी एयर एयर से से एफपी एफपी की की तरफ तरफ रिटर्न रिटर्न नहीं नहीं होने होने देता देता है, है, ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 94 94 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि राजधानी राजधानी कोच कोच का का फील्ड फील्ड पाइप पाइप का का व्यास व्यास कितना कितना होता होता है, है, तो तो ये ये दिया दिया हुआ हुआ है है 25 mm, 25 mm, ठीक ठीक है, है, 25 mm 25 mm दिया दिया हुआ हुआ है, है, तो तो 25 mm 25 mm क्या क्या चीज चीज का का दिया दिया हुआ हुआ है, है, आईसीएफ आईसीएफ का, का, ठीक ठीक है, है, राजधानी राजधानी कोच कोच का का फील्ड फील्ड पाइप पाइप का का व्यास व्यास जो जो होता होता है है 25 mm 25 mm दिया दिया हुआ हुआ है। है। मैंने मैंने ऊपर ऊपर भी भी बताया बताया है है कि कि आईसीएफ आईसीएफ का का आईसीएफ आईसीएफ का का जो जो है है फीड फीड पाइप पाइप यानी यानी एफपी एफपी और और बीपी, बीपी, बीपी बीपी का का जो जो होता होता है है 25 mm 25 mm होता होता है है और और एल एच एल एच
बी का जो इसका इसका जो जो होता होता है है 28 मिनट, ठीक है, ठीक 28 मिनट है, में जाता अट्ठाईस है, में ठीक ठीक है, है, आप आप समझ समझ गए गए होइएगा। होइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, यहाँ यहाँ तक तक अगर अगर वीडियो वीडियो में में बन बन गए गए हैं हैं तो तो आप आप लाइक लाइक शेयर शेयर जरूर जरूर करें। करें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 नंबर नंबर 95 95 में में कहा कहा जा जा रहा रहा है है कि कि क्यूआरपी क्यूआरपी द्वारा द्वारा मैनुअल मैनुअल रूप रूप से से ब्रेक ब्रेक जारी जारी किए किए जाते जाते हैं हैं तो तो कौन कौन सा सा दबाव दबाव बाहर बाहर निकलता निकलता है, है, तो तो वो वो सीआर सीआर का का दबाव दबाव है, है, ठीक ठीक है। है, मतलब मतलब कि कि कंट्रोल कंट्रोल रिजर्वायर रिजर्वायर जब जब मैनुअल मैनुअल रूप रूप से से मतलब मतलब कि कि अपने अपने हाथ हाथ से से ब्रेक ब्रेक जब जब रिलीज रिलीज करते करते हैं, हैं, जारी जारी करते करते हैं, हैं, तो तो रिलीज रिलीज के के समय समय सीआर सीआर का का दबाव दबाव जो जो है है बाहर बाहर निकलता निकलता है, है, ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 96, छियानवे, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर छियानवे छियानवे में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि कोचिंग कोचिंग ट्रेन ट्रेन में में नियंत्रण नियंत्रण जलाशय जलाशय मतलब मतलब कि कि कंट्रोल कंट्रोल रिजर्वायर रिजर्वायर का का दबाव दबाव कितना कितना होता होता है, है, कंट्रोल कंट्रोल रिजर्वायर रिजर्वायर का का दबाव दबाव कितना कितना होता होता है। है। देखिए देखिए यहाँ यहाँ भी भी थोड़ा थोड़ा सा सा गलत गलत लिख लिख दिया दिया है, है, कंट्रोल कंट्रोल रिजर्वायर रिजर्वायर का का दबाव दबाव जो जो है है ए ए में में दिया दिया हुआ हुआ है है 6 केजी, छह केजी, जो जो कि कि गलत गलत है, है, ठीक ठीक है। है। मैं मैं फिर फिर बता बता दूं दूं कि कि एफपी एफपी और और एआर, एआर, एफपी एफपी और और एआर एआर का का 6 केजी6 केजी और और बीपी बीपी एंड एंड सीआर सीआर का का 5 केजी 5 केजी होता होता है, है, ठीक ठीक है। 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 तो तो यहाँ यहाँ पर पर कह कह रहा रहा है है नियंत्रण नियंत्रण जलाशय जलाशय मतलब मतलब कि कि कंट्रोल रिजर्वायर, कंट्रोल रिजर्वायर का कितना कंट्रोल होता रिजर्वायर है, का 5 कितना केजी केजी होता होता है, है, इसका इसका ये ये आंसर आंसर सही सही हो हो जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है। है। आप आप समझ समझ गए गए होंगे। होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 97 97 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि कोचिंग कोचिंग ट्रेन ट्रेन में में सहायक सहायक जलाशय जलाशय को को डैश डैश तक तक चार्ज चार्ज किया किया जाता जाता है। है। तो तो सहायक सहायक जलाशय जलाशय का का मतलब मतलब एग्जुलरी एग्जुलरी रिजर्वायर, रिजर्वायर अभी अभी हम हम आपको आपको बताएं बताएं कि कि एग्जुलरी एग्जुलरी रिजर्वायर रिजर्वायर का का प्रेशर प्रेशर जो जो है है 6 केजी6 केजी होता होता है, है, इसलिए इसलिए 6 केजी 6 केजी पर पर सीएमएस सीएमएस कैसिस कैसिस को को चार्ज चार्ज किया किया जाता जाता है। है। इसका इसका सही सही आंसर आंसर बी बी हो हो जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, 98 98 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि ट्रेन ट्रेन की की लंबाई लंबाई के के दौरान दौरान पाइप पाइप पर पर संपीड़ित संपीड़ित हवा हवा के के साथ साथ चार्ज चार्ज किया किया जाता जाता है, है, ठीक ठीक है। है। ब्रेक ब्रेक पाइप, पाइप, देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर ध्यान ध्यान देने देने जो जो बात बात है है कि कि ब्रेक ब्रेक पाइप पाइप यानी यानी क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि ब्रेक ब्रेक पाइप पाइप का का दबाव दबाव कितना कितना हो हो जाएगा, जाएगा, तो तो 5 केजी।5 केजी। मैंने मैंने अभी अभी बताया बताया कि कि बीपी बीपी एंड एंड सीआर सीआर का का 5 केजी,5 केजी, एआर एआर और और एफपी एफपी का का 6 केजी6 केजी होता होता है, है, ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 99, निन्यानवे 99 99 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि ट्रेन ट्रेन की की लंबाई लंबाई के के दौरान दौरान फीड फीड पाइप पाइप का का समिलान समिलान हवा हवा में में चार्ज। चार्ज। अब अब देखिए देखिए अभी अभी फिर फिर अभी अभी बताया बताया कि कि वहीं वहीं आ आ गया गया कि कि फीड फीड पाइप पाइप का का दबाव दबाव 6 केजी6 केजी होता होता है, है, फीड फीड पाइप पाइप और और एआर एआर यानी यानी एग्जुलरी एग्जुलरी रिजर्वायर रिजर्वायर का का 6 केजी,6 केजी, बीपी बीपी एंड एंड सीआर सीआर का का 5 केजी।5 केजी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 99 99 था। था। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 100 100 में में देखिए, देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 100 100 में में क्या क्या कहता कहता है है कि कि ब्रेक ब्रेक आवेदन आवेदन के के बाद बाद नियंत्रण नियंत्रण जलाशय जलाशय को को काट काट दिया दिया जाता जाता है, है, मतलब मतलब कंट्रोल कंट्रोल जब जब ब्रेक ब्रेक आवेदन आवेदन या या ब्रेक ब्रेक अप्लाई अप्लाई हो हो जाता जाता है है तो तो कंट्रोल कंट्रोल रिजर्वायर रिजर्वायर को को किससे किससे काट काट दिया दिया जाता जाता है, है, तो तो ब्रेक ब्रेक पाइप पाइप से से उसको उसको कनेक्शन कनेक्शन काट काट दिया दिया जाता जाता है है ताकि ताकि फिर फिर से से ब्रेक ब्रेक अप्लाई अप्लाई या या लगे लगे नहीं, नहीं, ठीक ठीक है। है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 101 101 में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि ब्रेक ब्रेक एप्लीकेशन एप्लीकेशन के के बाद बाद सहायक सहायक जलाशय जलाशय से से लगातार लगातार चार्ज चार्ज किया किया जाता जाता है है हैंड हैंड फीड फीड पाइप पाइप पर, पर, ठीक ठीक है। है। तो तो यहाँ यहाँ पर पर फीड फीड पाइप पाइप की की बात बात कर कर रहा रहा है, है सहायक सहायक जलाशय जलाशय एग्जुलरी एग्जुलरी रिजर्वायर, रिजर्वायर एग्जुलरी एग्जुलरी रिजर्वायर रिजर्वायर की की यहाँ यहाँ पर पर बात बात कर कर रहा रहा है है कि कि सहायक सहायक जलाशय जलाशय से से लगातार लगातार चार्ज चार्ज किया किया जाता जाता है है फीड फीड पाइप पाइप पर, पर, मतलब मतलब कि कि एग्जुलरी एग्जुलरी रिजर्वायर रिजर्वायर और और या या फीड फीड पाइप पाइप का का जो जो भी भी है है इसका इसका चार्ज चार्ज जो जो है है 6 केजी6 केजी पर पर होता होता है। है। ये ये तो तो आपको आपको क्लियर क्लियर हो हो गया गया होगा होगा कि कि फिर फिर से से हम हम लिख लिख दें दें कि कि एफपी एफपी और और एआर एआर का का 6 केजी6 केजी होता होता है, है, बीडी बीडी और और सीआर सीआर का का जो जो होता होता है है 5 केजी5 केजी होता होता है है पर पर सीएम सीएम स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक ठीक है। है। चलिए चलिए यह यह जो जो है है पार्ट पार्ट टू टू था था कोचिंग कोचिंग स्टॉक स्टॉक का, का, पार्ट पार्ट थ्री थ्री जो जो है है हम हम अगले अगले वीडियो वीडियो में में बनाएंगे। बनाएंगे और और यह यह वीडियो वीडियो कैसे कैसे लगा लगा आप आप लाइक लाइक और और शेयर शेयर जरूर जरूर करेंगे करेंगे तथा तथा कमेंट कमेंट सेक्शन सेक्शन में में कमेंट कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा। कीजिएगा। और और इस इस वीडियो वीडियो का का पीडीएफ पीडीएफ आपको आपको कैसे कैसे मिलेगा मिलेगा ये ये हम हम आपको आपको बता बता दिए, दिए जो जो है है व्हाट्सएप व्हाट्सएप के के माध्यम माध्यम से से मिलेगा। मिलेगा।
जैसे फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ये सभी का पीडीएफ आप पा सकते हैं और अच्छे से अच्छे जेई एडब्ल्यूएम के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और और एकदम एकदम मिनिमम मिनिमम प्राइस प्राइस में में आप आप लोगों लोगों को को प्राप्त प्राप्त हो हो जाएगा जाएगा और और साथ साथ ही ही साथ साथ आप आप लोगों लोगों को को हर हर एक एक संडे संडे के के संडे संडे फ्री फ्री में में टेस्ट टेस्ट भी भी लिया लिया जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है। है। मैं मैं अपने अपने वीडियो वीडियो में में ही ही समाप्त समाप्त करता करता हूँ हूँ और और पार्ट पार्ट थ्री थ्री में में 102 102 मतलब मतलब कि कि 100 100 के के बाद बाद हम हम बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक ठीक है। है। थैंक थैंक यू। यू। जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।